दोस्तों बॉलीवुड अब एक्शन रोमांस और कॉमेडी जॉनर की फिल्मों के बाद अब पौराणिक कहानियों की तरफ रुख करता दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अमेरिका में चल रहे D23 एक्सपो में कुछ भारतीय प्रोजेक्ट का ऐलान किया था। इसमें दोस्तों महाभारत की सीरीज का नाम भी सामने आया था। कौरव और पांडवों की कहानी बया करते इस महापुराण को पर्दे पर पहली बार BR चोपड़ा ने दर्शाया। फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अन्य डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ने इसे दर्शकों के सामने पेश किया। अब इस पर एक फिल्म बनाई जा रही है जिसमें बॉलीवुड की कई नामी हस्ती नजर आएगी। साथ ही इसका बजट सुनकर आपके तोते उड़ जाएंगे। बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक फिरोज नाडियाडवाला ने महाभारत पर काम शुरू कर दिया है। उन्होंने ही हेरा फेरी और वेलकम जैसी पॉपुलर कॉमेडी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था। ऐसे में इस प्रोजेक्ट में हाथ लगाने का उनका मकसद महाभारत को भारतीय सिनेमा की सबसे बेहतरीन फिल्म बनाने का है। बताया जा रहा है कि इस मूवी की स्क्रिप्ट पर पिछले 4-5 सालों से काम चल रहा है, लेकिन इसके प्री प्रोडक्शन में मेकर्स अभी और कुछ साल लगाएंगे। ऐसे में यह मूवी 2025 में बनकर तैयार हो पाएगी और 2025 में रिलीज की जाएगी। ओरिजिनल तो हिंदी भाषा में बनेगी, लेकिन दूसरी भाषा में डबकर पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में दिखाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म 3 घंटे की होगी। फिरोज नाडियाडवाला को पूरा विश्वास है कि भारत अब मार्वल और DC मूवी को तगड़ा जवाब दे सकेगा। साथ ही द लॉर्ड ऑफ रिंग्स, गेम ऑफ थ्रोन्स, स्टार्स और हैरी पॉटर जैसी तमाम फिल्मों को महाभारत फिल्म बराबर की टक्कर देती हुई दिखाई देगी। दोस्तों बताया जा रहा है कि इसका बजट करीब 700 करोड़ रुपए होगा। दोस्तों अगर ये सच होता है तो यह भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे ज्यादा बड़ी फिल्म होगी। सूत्रों की माने तो इसमें अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह, परेश रावल, नाना पाटेकर, अनिल कपूर सहित अन्य स्टार लिए जाएंगे। हालांकि कौन क्या प्ले करेगा अभी क्लियर नहीं हुआ है। इसके अलावा मेकर्स नई और जानी मानी एक्ट्रेसेस को भी कास्ट करने वाले हैं। इसमें साउथ इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स भी अहम रोल निभाते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल इस पर अभी काम चल रहा है, कुछ कन्फर्म नहीं है। बता दें कि भारत में महाभारत पर कई सीरियल तो बने हैं, लेकिन फिल्म एक भी नहीं बनी। दोस्तों इसमें दिखाई जाने वाले अधिकतर एक्शन रियल होंगे। वीएफएक्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसमें उससे ज्यादा ध्यान किरदार, कहानी, इमोशन और डायलॉग्स पर दिया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मूवी का बैकग्राउंड स्कोर भी USA के लॉस एंजेलिस में रिकॉर्ड किया जाएगा। वही की टॉप क्लास कंपनी इसके वीएफएक्स पर भी काम करेगी। यह पहली फिल्म होगी जो 5D में शूट की जाएगी, न सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। वैसे दोस्तों आप इस फिल्म में अक्षय कुमार को देखने के लिए कितने एक्साइटेड है कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप भी अक्षय कुमार के फैंस हैं तो ऐसे ही अक्षय कुमार की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।